बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में हम बनाने जा रहे हैं जी, हम बना रहे हैं ओझड़ी, जिसे बट भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कि बट बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो मैंने 1 किलो बट लिया, ठीक है, 1 किलो बट लिया। उसके बाद मैंने पॉट में यानी देगची में पानी बॉईल किया, ठीक है, पानी बॉईल किया और उसके अंदर हल्दी और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। और जब वो पानी बॉईल हो गया तो मैंने फिर बट को उसमें शामिल कर लिया ताकि उसकी स्मेल बट की ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हल्का हल्का येलो सा कलर नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पानी में डाला था फॉर अबाउट 5 मिनट्स, बॉइल वाटर में डाला था। 5 मिनट के बाद मैंने फिर बट को निकाल लिया तो काफ़ी हद तक इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है और मैंने साफ से बट लिए थे, फिर भी इसमें फर्दर इसमें सफाई कर ली। इसके अलावा मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आप प्याज ले लें और उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो साबित भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह टमाटर भी मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे और उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया, ठीक है, मिक्सी में डाल के दोनों को, प्याज और जो आपका टमाटर था दोनों को मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो साबित भी ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने पेस्ट बनाया तो आप ही बनाएं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन लिया है। इसके अलावा 3 से 4 आप काली इलायची यानी बड़ी इलायची ले लें ताकि इस फर्दर जो भी स्मेल इसमें है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी और इसका अरोमा एनहांस हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा इसकी स्मेल पे। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला, 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मोटा मोटा चॉप कर लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है जो मैं इसमें आखिर में तड़के के लिए यूज़ करूँगी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और ये ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है। चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। चलें जी, मैं इसमें करीब 1/2 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है, और तकरीबन 1/4 जो है मैं तड़के में ऐड कर रही हूँ। ये ऑयल शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जी ये बड़ी इलायची और ज़ीरा और गर्म मसाला हम सबसे लास्ट में डालेंगे। बड़ी इलायची आ गई जी। अच्छा, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया। इसके अलावा हमारी हरी मिर्चें आ गई इसके अंदर। अब इस पॉइंट पे मैं बट को शामिल करूंगी। ये देखिए बट शामिल हो गई इसके अंदर। अब इसको बट को मैं हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ऑयल के अंदर भी फ्राई करूँगी। फ्लेम कर दी है मैंने हाई और इस बट को मैं ऑन हाई फ्लेम थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि ऑयल में भी अच्छा सा कुक हो जाए। तो कभी भी गोश्त वगैरह आप पका रहे हों तो ज़रूर हाई फ्लेम पे ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया करें, क्योंकि वो आपको पता है कि थोड़ा सा डिहाइड्रेट उसमें से पानी निकल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये देखें आपको ग्रीन कलर सभी नज़र आ रहा होगा हरी मिर्चों की वजह से और येलो नज़र आ रहा है जो मैंने हल्दी के पानी में अदरक लहसुन के पानी में इसको 5 मिनट के लिए बॉईल किया था। अच्छा जी, हाई फ्लेम पे आ गया जी। ये देखें जी बट हमारा। इसके अलावा तमाम मसाले ये मैंने इसमें शामिल कर लिए। इसको थोड़ा सा स्टिर कर देते हैं। हमें भूनने वूनने की इसमें नीड नहीं है। आपको पता है कि जो बट है हमें तकरीबन 4 to 5 hours हमें ऑन लो फ्लेम, जो दम वाला फ्लेम होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर समझना, ऑन अ लो फ्लेम हमें इसको कुक करना है क्योंकि बट टेक्स मोर टाइम देन अदर मीट्स। तो हमें क्या करना है कि इसको तकरीबन अभी, लेकिन ये कि मैं ऑयल में मसाले के साथ इसको जस्ट फ्राई कर रही हूँ। मेरा मकसद भूनना इस वक्त नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बट मसालों के अंदर अच्छा सा ऑयल के अंदर जस्ट फ्राई हो जाए। और ऑयल अभी मैंने 1/2 कप डाला था। अच्छा, अब मैं इसके अंदर अनियन का पेस्ट जो 3 से 4 मैंने जो अनियन लिए थे वो मैंने डाल दिया है। भूनने भूनने की ज़रूरत नहीं, जैसे कहीं बताया कि 4 to 5 hours को लो फ्लेम पे आप रखेंगे। अभी फ्लेम जो है बहुत हाई है, ठीक है, तो
क्योंकि ज़ाहिर है कभी 4 से 5 घंटे ये पकेगा और लो फ्लेम, तो ये खुद ही प्याज और टमाटर ये सारे अच्छी तरह से भून जाएंगे लास्ट में। अब ये टमाटर पेस्ट, टमाटर का पेस्ट आ गया, ठीक हो गया। ये हमने ये अच्छा सा बस एक दो स्टिर कर दिया। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे भर के, ताकि ये 4 to 5 आवर्स अच्छा सा लो फ्लेम पे कुक होता रहे। और आपने बीच में देखते रहना है कि अभी जब हम इसमें पानी शामिल करते हैं, पहले तो हम इसमें पानी शामिल करते हैं, अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। ये देखिए जी, पानी इसमें ऐड हो रहा है, इतना इनफ है, ठीक है जी। ये तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। और अब हम बॉयल, जब ये इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं ढक्कन से इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम कर दूंगी। ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि पानी उबल के गिर जाए, तो इस पे ज़रा आप थोड़ा सा इसको आप देखते रहिएगा कि पानी बॉयल हो जाए, ढक्कन रखें, लेकिन ढक्कन थोड़ा सा खुला छोड़ दें। ढक्कन थोड़ा सा खुला रख देंगे, वजह यह है कि पानी बॉयल होके गिर ना जाए। अब हम इसे 4 से 5 घंटे जी आप भूल जाएं, बस इसको भूल जाएं और दूसरे काम निपटा लें। तो अब हम ढक्कन को थोड़ा सा खोल के रखेंगे, बॉयल आने पे इसको स्लो कर देंगे बिल्कुल दम से थोड़ा सा ऊपर फ्लेम पर, और फिर आपसे मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स। चलें जी, ये देखें आफ्टर 5 आवर्स ये बहुत अच्छे से गल गया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर पे भी इसको पका सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कि स्लो चूल्हे पर, स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक किया जाए। देख सकते हैं आप, इतनी ग्रेवी काफ़ी है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी, ठीक है इस पॉइंट पर। इसके अलावा ये पिसा हुआ गरम मसाला एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर बस हम लास्ट में, अब हम इसमें जीरे का तड़का लगाने लगे हैं। आपको याद है कि 1/2 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला था, ठीक है। अब मज़ीद जो है मैं 1/2 कप के करीब ऑयल डाल के इसमें तड़का लगा दें। तो इसको रखते हैं दम पे और तड़के की तैयारी करते हैं जी। ये देखें मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब फर्दर ऑयल लिया है, इससे जो मैंने 1 टेबलस्पून जीरा भर के लिया था वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और जब ये कड़कड़ा जाएगा, आप देख सकते हैं, ये देखें जी, तो अब मैं इसको बट में शामिल कर दूँगी। तो ये तड़का बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल किस्म का फ्लेवर बट में देगा। चलें इसको शामिल करते हैं हम बट के अंदर। चलें जी, अब ये देखें जी, ये हमने जीरे का तड़का इसमें शामिल कर दिया, कितना ज़बरदस्त से लुक के आ रहा है। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देते हैं। चलें मिलते हैं आपसे 5 मिनट्स बाद। चलें जी, ये थी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।